देश की चार प्रमुख पीठों में शामिल ज्योतिषी और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपा नंद स्वामी का आज यानी रविवार को निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित गोटे गांव के समीप जेतेश्वर धाम में अंतिम सांस ली। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के जेतेश्वर मंदिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 98 साल पूरे कर चुके थे और उन्होंने 99 साल में प्रवेश किया था। वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में 3 सितंबर को उन्होंने अपना 99 जन्मदिन मनाया था। वो द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता था। अंतिम समय में शंकराचार्य के अनुयायी और शिष्य उनके समीप थे। उनके ब्रह्मलीन होने की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्रों से भक्तों की भीड़ आश्रम की ओर पहुंचने लगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के शिवनी जिले के दिघौरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। महाराज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी कारपात्री महाराज वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेज से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। स्वामी स्वरूपानंद ने साल 1950 में वे दांडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। साल 1950 में ज्योतिर्पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।